ब्राह्मणनाथ उस विचार को नहीं मान पाता तो उसको गरियाता है, खूब गालियां देता है, रिजेक्ट करता है, इग्नोर करता है, फिर भी नहीं मरता है विचार, तो वो उसको पूजा की वस्तु बना देता है कि सरस्वती की पूजा करो पढ़ो मत। सरस्वती देवी पूजा ज्ञान की देवी है, पूजो अगर पढ़ना मत तो अकल आ जाएगी, तुम भूलने लगोगे, हमें तो गुलाम चाहिए। और ब्राह्मणवाद आतंकित करता है अपने ज्ञान से। देखिए एक चीज याद रखिए, दुनिया के जितने भी धर्म हैं और अभी तक जो संस्कृतियां आपके साथ आदिवासी संस्कृतियों को छोड़कर जो भी धर्म आधारित संस्कृतियां हैं सब सामाजिक अन्याय पर आधारित है। जिसने कहा मैं श्रेष्ठ हूं वो अन्यायी है। श्रेष्ठ का मतलब दूसरा छोटा है, तो आपने तो पहले ही अन्याय की नींव रख दी है। तो धर्म को मानने वाले सब अन्याय करते हैं। मेरा ये मानना है आप डिफर कर सकते हैं, आप डिफर कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा हुआ उसने धर्म को गढ़ा, उसी ने ईश्वर को गढ़ा। ईश्वर और धर्म कुछ नहीं था, मनुष्य को उसने, वो मनुष्य तो जानवर है बेसिकली, बेसिकली दे आर एनिमल्स, तो उसको कंडीशन किया। और कंडीशन करने में कुछ लोग ऊपर उठ गए, उसमें जो ब्राह्मणवादी संस्कृति थी, प्लेटो की जो आपने बात कही, मेरी बहुत सी बातें तो फर्स्ट ही ने बोल दी, शुक्रिया आपका, और बहुत चीज़ों को आपने माकूल जवाब दिया कि अब हमें अपने से ज़रा डरना पड़ेगा। हमारा आदर्श क्या है, दलित साहित्य का आदर्श क्या है, हमारा आदर्श ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण जैसा बनना है क्या, या जाति मिटाना है? अगर हम ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण भूमिया बन गए तो फिर तो जाति रहेगी, हमें तो इंसान बनना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जाति मिटाना है। और अभी जो खतरनाक समय है, राष्ट्रद्रोह के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर हिंदूवाद जो बढ़ रहा है, ये आपके समक्ष बहुत खतरा है और आपको भ्रमित करने के लिए सचेत। अम्बेडकर को मोदी जी ने खूब प्रचारित कर दिया, गुजरात में अम्बेडकर की किताबों को विड्रॉ कर दिया। पढ़ो तो नहीं पूजो, आदि दलितों को सबसे बड़ा खतरा है कि पूजने की वस्तु अम्बेडकर को न बना दे, उन्हें बचाइए। जैसे हम आदिवासियों में कहते हैं बिरसा को भगवान मत बनाइए, अम्बेडकर को भगवान मत बनाइएगा, अम्बेडकर पूजने की चीज नहीं है, उनको ग्रहण कीजिए, उन पर अमल कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए, उनको पूजिए मत। जिस दिन आपने पूजना शुरू कर दिया तब अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज जो आपने प्लेटो की बात कही, साथी ने बलखान की, तो हमारे संस्कृति जिसके बहुत बड़ी घोषणा करते हैं, भारतीय संस्कृति बहुत महान है, इस महानता का एक एग्जाम्पल, इसकी महानता की एग्जाम्पल मैं आपसे जवाब कहूँगी उसका, भाषण नहीं, कि हम सबको हिंदू कहते हैं, भारतीय संस्कृति भारतीय कहते हैं, और अपने ही लोगों से हम अपना मैला ढुलवाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा धर्म है जो अपने लोगों से मैला ढुलवाता हो? है? मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। नहीं है। नहीं। तो सबसे गंदा धर्म कौन सा हुआ? हिंदू धर्म। हमारा हिंदू धर्म। ये भारतीय संस्कृति
सबसे दुनिया का सबसे भ्रष्ट धर्म हिंदू धर्म होगा। तो जो दलित अपने आप को हिंदू कहता है वो अंबेडकरवादी नहीं। दलित शब्द का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। बाबा साहब ने दलित अनुसूचित जाति के लिए ही ये शब्द रखा, क्योंकि उसका पानी नहीं चलता, वो अस्पृश्य है। अब लोग प्रेमचंद के साहित्य को भी कहते हैं कि दलित साहित्य है, मैं नहीं मानती इस बात को, मैं पर्सनली नहीं मानती, आप डिफर कर सकते हैं। मेरा ये कहना, जिसने भोगा है उसका लिखा हुआ साहित्य, जब तक उसके मन से भी दलित की भावना खत्म नहीं हो जाती, दुनिया में दलित की भावना अवधारणा ही खत्म नहीं हो जाती, तब तक दलित साहित्य चलता रहेगा। वो अवधारणा आपके मन से भी खत्म हो और लोगों के मन से भी खत्म हो, तभी ये खत्म होगा, नहीं तो ये चलने वाला है। इसको नाटक करके हम खत्म नहीं कर सकते। दूसरा कुछ तथ्यात्मक चीजें जो नेमिश राजी ने कुछ बताया है। 1986 में हार्स रजिस्टर हुआ, 1986 उधर का मार्मी 1985 में पहला अंक छपा, और उसे प्रहलाद चंद दास जो दलित राइटर है लटकी हुई शर्त उनकी पहली कहानी छपी। तो पूरे उस समय बिहार झारखंड एक था, हंगामा मच गया, सम्मेलन हुआ 97 में मुझे मोहनदास नेमिश राय और पूरे भारत के दलित लेखक जुटे थे। मोहनदास जी थे, सूर्यपाल चौहान थे, चवनलाल जी थे, कुसुम जी थे, मैं भी था, आप भी थे, और सुशीला ठाकुर थी, कुसुम ताई थी, गंगाधर पांडे थे, विनोद कीर्ति थे, लक्ष्मण थे, सब यानी के शरण कुमार निमाले सब आए थे। तब रुद्रत आम आदमी के विशेष अंक निकलने शुरू हुए थे, तो हम लोगों ने 7 अंक निकाले थे रुद्रत आम आदमी के दलितों पर। मतलब पूरे उस समय भी 9 भाषाओं का हिंदी में अनुवाद करवा के, उस समय आप लोग सब युवा थे, अभी भी युवा आप तो चिर युवा, लेकिन मेरा कहने का मतलब उस समय ये लोग सब अभी उठ रहे थे। मुझे याद है इनकी एक कहानी अपना गांव हंस ने लौटा दी थी और हम लोगों ने छापी थी, याद होगा आपको, और वो बेस्ट कहानी मानी गई थी, जो लौटाई हुई कहानी थी वो बेस्ट कहानी मानी गई थी दलित कहानी में अपना गांव, क्योंकि इन्होंने अम्बेडकर की दलितों को शहर में जाना चाहिए, गांव छोड़ देना चाहिए, उस प्रिंसिपल पर इन्होंने बात उस कहानी में उठाई थी, और उस मुद्दे को इन्होंने बड़ी अच्छी तरह रखा था, और औरतों को नंगा करने का मुद्दा भी उस पर इन्होंने उठाया था। पानी में मैं अभी मेरा आपसे ये कहना है, सही कैसे इसको कहते हैं पीपी के प्रश्न, बिल्कुल सही, न्याय और अन्याय ये भी एक सापेक्षिक शब्द है, सापेक्षिक शब्द है। आपकी नजर में जो न्याय हो दूसरे नजर में वो अन्याय हो सकता है, लेकिन जो बहुजन को न्याय दे उसकी मान्यता होती है, और दुर्भाग्यवश या ये विडंबना है कि हिंदू धर्म में या भारतीय संस्कृति में जो बहुजन को अन्याय दे और जो अल्पसंख्यक को न्याय देता है वही न्याय है, यानी 95% न्याय से बाहर और 5% उनके न्याय में कसौटी में आती है।
देखिए मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवादी एक दलित भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मणी दलित ओ ब्राह्मणवादी हो, दलित भी हो सकता है। ये एक अंदर की एक अवधारणा है कि उसको मारना बहुत जरूरी है। इतना कंडीशन कर दिया गया दलितों को, स्त्रियों को, और आपने सही कहा, मैं उनका नाम भूल गई, अध्यक्ष बलराज जी हैं, उन्होंने बहुत, हमारा तो जब इंसान पैदा हुआ सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, इंसान के बाद परिवार है, हम परिवार से ही अन्याय शुरू करते हैं, हम परिवार में ही रिश्ते से, रिश्ते देखिए, माँ बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, ये सारे रिश्ते हैं, और पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता सबसे नज़दीकी रिश्ता होता है, हम वहीं से अन्याय शुरू करते हैं। तो अन्याय करना, बच्चा जब पैदा होता है वो पकड़ सबके मुँह में डालता है, हर चीज़ कब्जा करने की बात करता है, तो ये मनुष्य की प्रकृति है। इसको जब काबू करके हमने दूसरों के साथ जीना सिखाया, उसी को आप सभ्यता कहते हैं, वही सभ्यता की तरफ हम ले जाते हैं। तो हम सभ्य होने की प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखे भी और बहुत कुछ गवाए भी, क्योंकि सभ्य होने की प्रक्रिया में हम श्रेष्ठ भी बन गए और दूसरों को छोटा भी कर दिया। तो सभ्यता ने जितना हमें परिष्कार किया उतना हमें विकृत भी किया। इसलिए आदिवासी समाज में जाइए, वहाँ बराबरी है, वो प्रकृति न्याय पर जाता है, सामाजिक न्याय प्रकृति न्याय में भी फर्क होता है। प्राकृतिक न्याय उसको होना ही है, उसको हो रहा ही है, रिजल्ट वो निकल रही है, दो और दो चार जैसे होता है, लेकिन सामाजिक न्याय दो और दो चार नहीं होता है, सामाजिक न्याय मनुष्य पर डिपेंड करता है। तो मनुष्य की अवधारणा अगर सही होती है तो, इसलिए एक बात तो आप याद रखिए, हर दलित साहित्यकार जो दलित घर में पैदा हुआ हो, जरूरी है कि वो दलित साहित्यकार हो, वो हनुमान चालीसा लिखे और कहे मैं दलित घर में पैदा हुआ, तो दलित साहित्यकार नहीं हो सकता। सही बात। वो अंबेडकर की 21 प्रतिज्ञा है उस पर चलने की बात करता है, तो हम उसको दलित साहित्यकार मानते हैं। मेरी अवधारणा है, आप भी जिक्र कर सकते हैं, जब तक वो अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा को फॉलो नहीं करता है वो दलित साहित्यकार नहीं कहला सकता है। इससे ये बात क्लियर। जब आपने ये अंबेडकर आदेश नाम रखा, मुझे अच्छा लगा कि महाराष्ट्र में भी अंबेडकरवादी साहित्य का चलन हो गया है, क्योंकि दलित शब्द को भी लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। अब लोग कहने लगे जो वर्गीय गरीब है, अब वर्गीय गरीब तो हमारे यहाँ ब्राह्मण भी होता है, बहुत गरीब, लेकिन आप पाए लगू बाबा जी जरूर बोलेंगे उसको। बोला 80 साल का बूढ़ा दलित और 5 साल के बच्चे को, ब्राह्मण को बोलता है पाए लगू बाबा जी, ये है सामाजिक न्याय। तो उसको समाज में प्रतिष्ठा मिली हुई है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा, ये सब प्रतिष्ठा है, ये पहचाने अलग अलग है। तो जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपका मनुष्य होने का जो आपका रुतबा है समाज में वो क्या है ये नापा जाता है, आपके पास धन कितना ये नापा नहीं जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो मार्क्स ने एक बार कहा था, दूसरे ने भी कहा कि हिंदुस्तान में वर्ग के अलावा एक वर्ण भी है, तो वर्ण के आधार पर हमारा समाज बटा हुआ है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है। आपके पास 1,00,000 रुपया हो लेकिन जगजीवन राम की मूर्ति को ब्राह्मणों ने धो ही दिया गंगा जल से, धो दिया ना, संपूर्ण जगजीवन राम की मूर्ति को धोया था, जगजीवन राम ने उद्घाटन किया था मूर्ति का बनारस में, मैं अपनी बात
खत्म करना चाहते हैं और इतिहास हमेशा विजेताओं का होता है, याद रखिए, हारे हुए लोगों का इतिहास नहीं। तो अगर अम्बेडकरवादी साहित्य को आगे बढ़ना है, आंदोलन चलाना है, तो हमें, हम नहीं कहते किसी पर हमला करो, लेकिन हमें विजेता तो बनना पड़ेगा, अपने पर काबू पाना पड़ेगा। हम अपने पर भी काबू पाए और आप बस ने खतरा बताया, हम जो राष्ट्रपति को मिलने को लड़ाई रहते हैं, हम जो पद पाने को लड़ाई रहते हैं, हम थोड़ा कुर्बानी करने को भी तैयार नहीं। हमें जेल जाना पड़ सकता है, आज के युग में बहुत कुछ करना पड़ सकता है। और एक बात, अंतिम बात कहते कि हमें हमारी संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने यह सिखाया कि जो काम करता है, मेहनत करता है, उपजाता है, वो छोटी जाति है, और जो दूसरे को ठगता है, आतंकित करता है ज्ञान से, वो बड़ा, जो लाठी से आतंकित करता है वो क्षत्रिय, वो बड़ा, और जो बढ़ियागिरी करता है, ठगता है तोड़ में, वो बड़ा, यानी जो मेहनत करता है वो छोटा। आपको इसको उलट के कहना है, जो मेहनत करता है वो बड़ा, और जो आतंकित करता है ज्ञान के बैठे के बिना, अपनी किताब लेके बैठे रहो बाबू, हम मेहनत करके देश को बढ़ाएंगे, वो जो नीचे है वो बड़ा और आप छोटे, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और आगे भी बढ़ना पड़ता है। और एक बात याद रखिए, अभी 25-26 तारीख को हम लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें आपको पूरी सूचना मिल जाएगी, मैंने पर्चा बांटा भी है। 25-26 तारीख को साहित्य के पीछे सहयोग से रमिका फाउंडेशन एक सम्मेलन कर रही है। हम लोग अब तक 44 भाषाओं का हिंदी अनुवाद कर चुके हैं, 44 लैंग्वेज, 11 तो दलितों की भाषाओं का अनुवाद हमने किया, दलितों की अपनी अलग भाषा नहीं है, यानी देश की भाषा है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करके हम लोगों ने स्पेशल इशू निकाले और वो जोड़ दिया पूरे भारत को, दलितों को, गुजरात के दलितों को, महाराष्ट्र के दलितों को हम लोगों ने जोड़ा, पंजाब के दलितों को। लोगों में भ्रम था कि पंजाब में दलित नहीं होता है, यानी भावना कम है, पंजाब में भी वैसी भावना जैसे आप तो ये है, आप सब लोग उसमें आमंत्रित है, यानी पर्चा दे दिया जिनको नहीं मिलेगा वो भी उसमें आएंगे। और उसमें यही विषय है, पत्रिकाओं में, लघु पत्रिकाओं में दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन के विकास में कितना योगदान दिया, यही यही है, और उसमें सबका धन्यवाद।